हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं दीपक रोहिला आपका स्वागत करता हूं एक और यूट्यूब वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे आने वाले वीक में, एक वीक में और दो वीक में कौन से स्टॉक्स आपको अच्छा पैसा बना के दे सकते हैं वीकली व्यू के साथ। उससे पहले एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करके वीडियो के कंटेंट को आप एनालाइज़ कीजिए, क्या वो कंटेंट आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अपना मोटिव बिल्कुल सिंपल है सर, लेट्स ग्रो टुगेदर। इसी मोटिव को आगे बढ़ाने के लिए मैं आपके साथ कुछ स्टॉक्स लेके आया हूँ। आज चलते हैं स्टॉक्स की तरफ। पहला स्टॉक एस्ट्रेडियम हेल्थ केयर। ये आप इसका एट प्रेजेंट डेली चार्ट देख रहे हैं, हम एक बार वीकली चार्ट की तरफ नज़र करते हैं। वीकली चार्ट क्या कह रहा है, पहले कैंडल अच्छी लग रही है, ये लास्ट दो वीक की कैंडल अच्छी लग रही है। हमने यहाँ पे बाइंग के लिए स्टार्ट किया था, पहला टारगेट, दूसरा टारगेट, तीसरा टारगेट, तीन टारगेट डन हुए। उसके बाद 225 into 235, ये दो टारगेट के अभी भी स्कोप है इसके अंदर, तो नेक्स्ट एक वीक दो वीक में यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। रीजन फर्स्ट RSI आप देखेंगे अप मूव में है और 60 की RSI बहुत ही अच्छी RSI है स्टॉक की, तो ये तो ऐसी सिचुएशन पे, ऐसी पोजीशन पे है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये इसका आपको दिख रही होगी ये ब्लू लाइन, इस रेड लाइन को क्रॉस करके ऊपर की तरफ जा रही है, तो MACD भी सिग्नल दे रहा है कि हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं स्टॉक के अंदर। और जब ये स्टॉक में यहाँ से देखो, ये एक बॉक्स टाइप में है, ये यहाँ से बाहर निकलता है ना, इसको चेक भी करेंगे तो एक छोटा सा राउंडिंग बॉटम पैटर्न भी बन रहा है यहाँ पे। आप थोड़ा सा इसको ओवर एनालाइज करेंगे ना तो यहाँ पे आपको एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न भी नज़र आएगा। तो यहाँ तक तो हम जाने वाले हैं और उसके बाद भी आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ से ये रेंज 76 रुपीज़ की रेंज, यहाँ से 76 रुपीज़ की रेंज यहाँ से निकल के आ रही है, तो 300 तक भी स्टॉक को ले जा सकता है। तो थोड़ा सा मिड टू लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टर अगर इसमें इन्वेस्ट करना चाहे पैसे को तो प्लानिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की बात करते हैं, DCM श्रीराम लिमिटेड। देखो इसको बोलते हैं एक्युमुलेशन, ये जो रेंज है यहाँ से निकला ही नहीं, 1010 ये नीचे, इससे नीचे गया ही नहीं, इससे नीचे क्लोजिंग दी नहीं, तो ये 100 रुपये की रेंज के अंदर ही ट्रेड करता रहा स्टॉक। और ये यहाँ पे देखो कितनी अच्छी एक्युमुलेशन चल रही थी, इसके अंदर एक रेंज के अंदर चल रहा था स्टॉक, यहाँ पे पहली बार इस वाले रेंज को ब्रेक करने में सक्सेसफुल हुआ है। अब नेक्स्ट हर्डल 1058-1060 की नज़र आती है, इसको और थोड़ा सा रिफाइन करें, 1060। तो पहला टारगेट इसका 1060 है, देन आफ्टर 1120-1170, एंड ये यहाँ पे तीन बार 1-2, ये देखो यहाँ पे तीन चार बार लगातार यहाँ पे, ये तो तीन मौके ऐसे हैं जहाँ पे 1220 ये रेजिस्टेंस लेके नीचे आया है। तो यहाँ तक तो अपने को फ्री फ्लो में नज़र आता है 200 रुपीज़ का अप मूव, तो लेट्स सी कि ये कैसे यहाँ तक पहुँचता है विद इन 2 week 3 week 4 week में। तो इस स्टॉक में भी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं पैसे शॉर्ट टर्म के लिए, 1 से 3 week के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हम इसके अंदर पोजिशन बना सकते हैं। इसका आप RSI देखेंगे तो काफ़ी अच्छा अप मूव है इसके अंदर, 60 की RSI इसकी है, तो अच्छा स्टॉक है। नेक्स्ट स्टॉक है टाटा मोटर DVR लिमिटेड। तो टाटा मोटर देखो कितना भरोसे का स्टॉक है, यहाँ पे एक डबल बॉटम आपको नज़र आया होगा, ये बेस बना है यहाँ, इसको अगर आप थोड़ा सा और देखेंगे ना आगे तक, ये देखिए यहाँ पे तो 179-180 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है सर। आप देखेंगे कितनी बार यहां से जा रहा है स्टॉक ऊपर,
स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 228। और इसके अंदर एक छोटी सी चीज और दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, ये डेली का पोल फ्लैग का ब्रेकआउट है, ये पोल फ्लैग का ब्रेकआउट आपको थोड़ा सा क्लियर नजर आया होगा यहाँ पे। तो फर्स्ट टारगेट इसमें जो हमें लगता है, मुझे लगता है 245 246 का पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 268, उसके बाद 300। तो इन तीन टारगेट के साथ इसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। शॉर्ट टर्म में चाहो तो ये 190 का स्टॉप लॉस रख सकते हो। नेक्स्ट होगा सर मैंगलोर केमिकल, जबरदस्त हो गए। ये देखो वी शेप में रिकवरी आई थी, यहाँ पे गया स्टॉक, पहला जो था हमारा टारगेट उसको कंप्लीट किया, फिर वापस से डाउन ट्रेंड, इस लेवल को टेस्ट करने के लिए आया। ये इसका हमने कभी बनाया था, ये पोल फ्लैग का भी अभी डिस्कस किया था कभी, पोल फ्लैग। तो ये जो एक ट्रेंड लाइन थी इसको ये देखिए, ये इंस्ट इन लाइन को ये यहाँ पे सपोर्ट लेके अभी वापस से ऊपर की तरफ जा रहा है। 120 अभी ट्रेड कर रहा है, 140 और 160 इन टारगेट के साथ आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो। ये एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर इसका पैटर्न भी है, ये उसका ब्रेकआउट है ये, तो ब्रेकआउट पे अच्छा वॉल्यूम भी आप देखेंगे, ग्रीन ये वॉल्यूम अच्छा वॉल्यूम भी है। RSI देखेंगे 65 अराउंड RSI है, तो अच्छा RSI है। तो ये स्टॉक भी आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो नेक्स्ट वीक के ट्रेडिंग के लिए। नेक्स्ट हो गया मेघमानी ऑर्गेनिक लिमिटेड MOL, ये मैं अभी आपको शो कर रहा हूँ इसका वीकली चार्ट, जो एक कैंडल है एक वीक के काम को डिनोट करती है। ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न कंप्लीट किया इसने, उसके बाद काफ़ी देखो ये चार वीक से अच्छा अपमूव है इसके अंदर, स्टॉक के अंदर अभी 133 पे ट्रेड कर रहा है, एक हडल नज़र आती है 140 पे, 140 क्रॉस करता है 150 151 152 देन 1670। इन टारगेट के साथ आप MOL मेघमानी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड में इन्वेस्ट कर सकते हो, टाइम फ्रेम 1 वीक 2 3 वीक के लिए भी आप इसमें इन्वेस्टेड रह सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक है सीक्वेंट साइंटिफिक, ये लास्ट 2-3 दिन में मैं अपने जो मेरे क्लाइंट्स हैं उनके साथ भी शेयर किया है मैंने स्टॉक। यहाँ पे स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हो लॉन्ग टर्म व्यू से, पोजिशनल व्यू, क्योंकि अपने टारगेट इसमें 10% 20% 30% नहीं है, अपने टारगेट इस पर 100-200% के हैं, मतलब पैसा डबल भी और ट्रिपल भी। स्टॉक अभी 108 पे ट्रेड कर रहा है, शॉर्ट टर्म के लिए प्लानिंग कर रहे हो तो 140-150 के टारगेट के साथ इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप सोच रहे हो कि आप 1-2 साल के लिए भी जा सकते हो स्टॉक में, तो हमारे टारगेट यहाँ से 200-330 इन टारगेट के साथ आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आप इसकी RSI देखेंगे तो बहुत ही अच्छी RSI बन के जा रही है, अभी 40 पे RSI पहुँच गई है, तो यहाँ से देखो ओवरबोट जोन से बाइंग जोन की तरफ आ गया स्टॉक। तो 3-4% अपने पोर्टफोलियो का अलोकेशन इसको हम दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये कुछ स्टॉक्स थे जो नेक्स्ट वीक में हम आप चूज कर सकते हो ट्रेड करने के लिए, शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड के लिए। कुछ दोस्त हमसे जुड़ना चाहे तो ये अपना टेलीग्राम का चैनल है मनी मंत्रा विद दीपक रोहिला, कल मंडे है मार्केट आवर्स में, यहाँ पे मैं आपके साथ कुछ फ्रेश चार्ट्स आपके साथ शेयर करूँगा, तो उन चार्ट्स के साथ आप ट्रेड भी कर सकते हो। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीकेंड है तो आप अपने दोस्तों से मिल रहे होंगे, तो दोस्तों को भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, उनके व्हाट्सएप पे, उनसे टेलीग्राम पे या फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं।
थैंक यू फ्रेंड्स, आज के वीडियो में यही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लेट्स ग्रो टुगेदर इज अवर मोटिव। थैंक्स फॉर वॉचिंग मनी मंत्रा। उम्मीद करता हूँ अपने परिवार के साथ अच्छे से समय बिता रहे होंगे। हैव ए वंडरफुल टाइम विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।